ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग के शुरुआती दिनों में ही यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की प्लानिंग कर ली थी। इस बात का पर्दाफाश खुद रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक कर्मचारी की लीक ईमेल से हुआ। ईमेल के मुताबिक 24 फरवरी को हमले के बाद जंग के शुरू होने में ही यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का प्लान था, यानी हमले के तुरंत बाद यूक्रेन को ऐसे दहलाने की योजना बना ली गई थी कि वो घुटने टेक दे, और इसके लिए पुतिन ने तैयारी भी कर ली थी। हालांकि अपने ही अधिकारियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए, ये दावा अमेरिका की न्यूज़वीक मैगजीन ने एफएसबी के कर्मचारी की लीक ईमेल के आधार पर किया, जिसमें यह बताया गया कि जंग के पहले महीने में ही यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की तैयारी थी और इसी मुद्दे पर पुतिन ने अपने खास लोगों के साथ चर्चा भी शुरू कर दी थी। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के कर्मचारी ने एक नहीं बल्कि कई ईमेल एक सामाजिक कार्यकर्ता को भेजी थी, जिनमें यूक्रेन पर परमाणु बम से हमले की आशंका जताई गई थी। और ईमेल के मुताबिक ऐसा जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही करने का प्लान था, यानी पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के कुछ दिन बाद ही उसे बर्बाद करने की तैयारी कर ली थी। क्योंकि रिपोर्ट में रूस की खुफिया एजेंसी की जिन ईमेल का हवाला दिया गया, उनमें पहली ईमेल 4 मार्च यानी 24 फरवरी को हुए हमले के 8 दिन बाद ही लिखी गई थी। इसके बाद 17 मार्च, 21 मार्च और 12 अप्रैल को भी एफएसबी के कर्मचारी ने सामाजिक कार्यकर्ता को ईमेल भेजी थी, जिनमें परमाणु हमला होने की आशंका के साथ ही जंग छेड़ने के बाद पुतिन के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी का भी जिक्र किया गया था। और ये दावा किया गया था कि पुतिन के खिलाफ सिर्फ एफएसबी के अधिकारी ही नहीं बल्कि सेना के कई लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद परमाणु हमले की जिद पर अड़े पुतिन को भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं परमाणु हमले के बाद उनके करीबी ही साथ न छोड़ दें। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना के कई अधिकारी तो पुतिन से इतने खफा थे कि वो खुलकर विरोध जताने लगे थे, जबकि दबी जुबान में वहां ये भी कहा जाने लगा कि परमाणु हमला करके पुतिन सबसे बड़ी मूर्खता करेंगे, क्योंकि ऐसा करके वो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेते। ईमेल के मुताबिक रूसी सेना के अधिकारियों ने पुतिन के खिलाफ ऐसा रुख दिखाया मानो वहां गृह युद्ध छिड़ने वाला हो, और इसी बात ने पुतिन को परमाणु हमले जैसा कदम उठाने से रोक दिया। लेकिन उन्होंने यूक्रेन पर हमला नहीं रोका, जबकि खुद उनकी खुफिया एजेंसी यूक्रेन पर हुए हमले के खिलाफ थी। न्यूज़वीक ने दावा किया कि एफएसबी ने इसे एक बिना सोचे समझे उठाया कदम करार दिया था, और इसके लिए उसने सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। एफएसबी की लीक हुई ईमेल के मुताबिक जंग की शुरुआत में ही यह साफ हो गया था कि रूसी सेना के पास लड़ाई की कोई रणनीति नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ पुतिन के घमंड की वजह से यूक्रेन पर धावा बोल दिया था, क्योंकि पुतिन यूक्रेन को रूस में मिलाने का ऐलान कर चुके थे और इस फैसले में उनके करीबियों को भी साथ देना पड़ा। एफएसबी के कर्मचारी ने ईमेल में इस बात का जिक्र किया कि पुतिन को यूक्रेन पर हमले से रोकने वाला रूस में कोई नहीं था, जबकि सभी को उससे होने वाले नुकसान का अंदाजा था। इधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ग्लेशियर टूटता दिखाई दिया, जिसे देख लोग दहशत में आ गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ग्लेशियर टूटने के बाद वहां बर्फ का बवंडर उठता नजर आया। देखकर ऐसा लगा मानो वहां बर्फ का कोई ज्वालामुखी फट गया हो, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। ये बर्फीला बवंडर इतना खतरनाक था कि पूरे इलाके में तेज हवाएं चलने लगी और आसपास मौजूद घरों की छत पर रखा सामान और कपड़े हवा में उड़ने लगे। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।